गुड इवनिंग डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। और आज हम लेके आए हैं वीडियो, व्हाट इज हीट, मतलब हीट क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि हीट के टाइप कौन कौन से होते हैं, हीट की यूनिट क्या होती है। और इसी में मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन हीट के एग्जाम के अंदर पुट होते हैं वो भी इसी के अंदर कराए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है व्हाट इज हीट। सबसे पहले तो हीट है क्या। हीट एक ऐसा रूप है जिसके द्वारा हमें गर्मी या सर्दी का अनुभव होता है। जैसे आप डायग्राम में देखिए, एक हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर, जिसके द्वारा हमें गर्मी या सर्दी का क्या होता है, अनुभव होता है। और जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा ली जाती है, तो उस वस्तु की अवस्था या तापक्रम या आयतन में क्या आता है, अंतर आता है, वो क्या है, हीट है। ठीक है, तो आगे इसका थोड़ा डेफिनेशन के उससे चलते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। देखिए क्या कहा गया है, हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर सिस्टम और ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टेम्परेचर। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, डेफिनेशन इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो इसका मेन पर्पज ये है, कोई बच्चा ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, तो जरूरी नहीं सभी बच्चों को हिंदी आती हो, इस कारण से मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ताकि अगर उसको मेरी हिंदी भाषा समझ में ना आए, कम से कम इंग्लिश पढ़ के वो क्लियर कर सके कि क्या कहना चाह रहे हैं या इस वीडियो में क्या बताया गया है। तो इस कारण से मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। तो हमारा क्या था, हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हीट क्या है, एक ऊर्जा का वह रूप है, इज ट्रांसफर सिस्टम और ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टेम्परेचर, जो विभिन्न टेम्परेचर फ्लोइंग फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सिस्टम टू द लो टेम्परेचर सिस्टम, जो हमारे उच्च तापमान प्रणाली से निम्न तापमान प्रणाली में बहने के साथ सिस्टम को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। आल्सो रेफर्ड टू एज हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। और इसके साथ में हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी भी रेफर करता है। हीट इज टाइपिकली मेजर इन BTU, कैलोरी और जूल। हीट को मेजर करने के लिए हम BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, कैलोरी और जूल के अंदर हम हीट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा। ये सबसे पहले तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, इन एसआई मेथड द यूनिट ऑफ हीट इज जूल। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल होता है उसके अंदर हीट यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल है। और एक जूल हमारा बराबर होता है 4.186 जूल। एक कैलोरी हमारा 4.186 जूल के बराबर होता है। अगर किलो कैलोरी की बात करें तो 4.186 मल्टीप्लाई, ये स्टार नहीं मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 1000 जूल। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम 4.186 की जगह यहाँ पे 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर वर्ड पे ऊपर आए तो 4.186 जूल आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। तो यहाँ पे सबसे हम बात करते हैं कैलोरी। कैलोरी क्या होता है, दी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कैलोरी। मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। मतलब 1 ग्राम पानी है, 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए हमको जितनी हीट चाहिएगी वो क्या कहलाएगी, कैलोरी कहलाएगी। और 1 कैलोरी किसके बराबर है, 1 ग्राम वाटर मल्टीप्लाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो 1 कैलोरी के बराबर होगा, क्योंकि हमारा 1 ग्राम वाटर है और अगर हम उसकी गुना करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस तो वो किसके बराबर होगा, 1 कैलोरी के। और 1 कैलोरी अभी अभी मैंने बात की थी, 4.2 या 4.186 या 4.187 जूल होता है। ये हमारा सीजे सिस्टम में है। आगे हम देखते हैं किलो कैलोरी की डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड किलो कैलोरी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास 1 किलोग्राम क्या है, पानी है, उसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, किलो कैलोरी कहलाएगी। किलो कैलोरी मतलब हमारा 1 किलोग्राम पानी साथ में 1 डिग्री सेल्सियस उसका क्या करना है, टेम्परेचर
बढ़ाना है तो उसके लिए हमको जितनी हीट चाहिए वो क्या कहलाएगी, किलो कैलोरी। और 1 किलो कैलोरी कितने कैलोरी के बराबर होता है, 1000 कैलोरी के बराबर होता है। अगर आपको कोई चीज भी समझ में ना आए, कोई डाउट रहे, कमेंट बॉक्स में लिखो। और दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पे भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए बस। अगर डाउट रह गया तो ये क्लास जो हमने स्टार्ट किया इसका करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम की। ब्रिटिश सिस्टम में CHU, सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है ये कॉपी में नोट कर लेना, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर टू 1 डिग्री फारेनहाइट इज कॉल्ड सेंटीग्रेड हीट यूनिट। मतलब 1 पाउंड पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आप अभी से कॉपी में लिख लो, और ऐसी जगह लिख लो कि जब भी आपको एग्जाम देने जाओ ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। एक CHU किसके बराबर होता है, 453.6, इसकी फिक्स वैल्यू है, लेकिन कई बार इसको 454 कैलोरी भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 0.6 का मतलब अगर हम पॉइंट यहाँ से खत्म करें तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एक CHU हमारा बराबर 453.6 या 454 कैलोरी के बराबर होता है। आगे चलते हैं, BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये फुल फॉर्म में बहुत बार पूछी जाती है। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या करा है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री फारेनहाइट। मतलब 1 पाउंड पानी का 1 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाने के लिए क्या हमको चाहिए, उष्मा चाहिए, तो हमारी क्या कहलाएगी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाएगी। और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर पुट होता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के बराबर होता है, 252 कैलोरी। अभी तक आपको मेरे ख्याल से 4 से 5 क्वेश्चन मिल चुके हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम में आने के लिए। आगे चलते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा लेटेंट हीट, एक साइड में लिक्विड एक साइड में वेपर है। सबसे पहले आपको बता दूं, लेटेंट हीट हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर कहीं पे होती है तो होती है एवपोरेटर के अंदर। लेटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा, हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है लिक्विड में लेकिन जब वहां से रिमूव होता है तो वेपर कंडीशन में होता है, क्योंकि लेटेंट हीट के कारण। अभी लेटेंट हीट है क्या, कैसे काम करती है, यह हम इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और वेपर और ए लिक्विड इनटू ए वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या कह रहा है, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए उसे दी जाने वाली अथवा उससे ली जाने वाली ऊष्मा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, किसी टेम्परेचर के ऊपर किसी वस्तु से या किसी चीज से उसमें से हीट लेना या देना वो आपकी क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। जैसे लिक्विड और वेपर, और लिक्विड इनटू ए वेपर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने वहां पे ऊष्मा का क्या किया है, आदान प्रदान किया, उससे ली है या वहां पे दिया, तभी तो वहां पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुई। अब नीचे डायग्राम देखो, ये लेटेंट हीट है, ये एवपोरेशन है। एवपोरेशन हमारा कहाँ पे होता है, एवपोरेटर में होता है, ये हमारी वाइंड है और ये टेम्परेचर है। अब सीधा सीधा मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एवपोरेटर के बारे में यहाँ पे क्लियर करूंगा तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा मैं किस कारण से बात कर रहा हूँ। एवपोरेटर में हमारा टेम्परेचर किस कारण से हम एवपोरेटर लगाते हैं, कूलिंग के लिए। अब वहाँ पे जब रेफ्रिजरेंट जाता है कूल कंडीशन में जाता है, लिक्विड में जाता है, लेकिन जब वहाँ की गुप्त ऊष्मा को क्या करता है, रेफ्रिजरेंट सेंस करता है तो वहाँ की हीट को अब्जोर करते हैं, उस वहाँ की ऊष्मा को अब्जोर करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। जब वो कूलिंग वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा तो उसकी जो हीट अब्जोर की थी उस कारण से जो हमारा रेफ्रिजरेंट था लिक्विड में वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। क्यों, क्योंकि वो खुद गर्म हो गया। मतलब वो पहले ठंडा था लेकिन जब उसने हीट ली, हीट लेने के बाद वो खुद गर्म हो गया लेकिन वहां पे कूलिंग दे दी।
अब वो जब खुद गर्म होगा तो किस में आएगा, लिक्विड से वेपर में, और अगर दोबारा फिर हीट अब्जोर्ब करेगा मतलब लास्ट लाइन में आते आते वो एक काम करता रहेगा तो वो कहीं ना कहीं वेपर से बॉइल कंडीशन में आ जाएगा। इसी कारण से तो एवेपरेटर में हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर से बॉइल कंडीशन में आता है, किस कारण से, लेटेंट हीट के कारण से। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के तीन टाइप होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहां पे आप देखो, यहां पे आइस है और यहां पे ये मेल्ट हुई है। अब ये मेल्ट हुई कैसे, ये क्या चीज कहना चाह रहा है, एक सिंपल सी बात बोलूंगा मैं आपको कि थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको। मेरे पास 1 किलोग्राम आइस थी, उसको मैंने क्या किया, हीट दी, उसको मैंने हीट दी, हीट देके मैंने उससे क्या ली, कूलिंग ली। जब उसको मैंने हीट दी तो कूलिंग ली, तो वो जो खुद आइस था खुद कूलती तो वो कहीं ना कहीं गर्म होगी, और गर्म होके वो क्या होगी, मेल्ट हो गई। मतलब हमारे पास आइस थी, आइस ने क्या किया, खाद्य पदार्थों को ठंडा किया, खाद्य पदार्थ ठंडे हो गए, लेकिन जो खाद्य पदार्थ की हीट थी वो किसने ली, आइस ने ली। और आइस जब उस हीट को लेगा 80 कैलोरी ग्राम या 80 किलो कैलोरी ग्राम जब उस हीट को लेगा तो वो खुद क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एग्जाम्पल है। हम इसका थोड़ा डेफिनेशन पे चलते हैं प्रॉपर, क्या कहना चाह रहे, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाई ए सब्सटेंस टू कन्वर्ट द सॉलिड मास ऑफ ए सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ दैट सब्सटेंस। अब देखो, द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब, हमारा जो अमाउंट है, कोई भी चीज है, आइस है, वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है बाई सब्सटेंस, किसके माध्यम से, एक सब्सटेंस के माध्यम से, टू कन्वर्ट, और कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड मास ऑफ ए सॉलिड टू इट्स लिक्विड, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चेंज होकर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो मेल्ट होने का पॉइंट है, वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सेकेंड हमारा था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी यहां पे वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, उसके वेपर बनाना। अब वेपर हम किसके द्वारा बनाते हैं, स्टीम के द्वारा बनाते हैं। मतलब अगर हमारे पास 1 किलोग्राम जल है, ये हमारा जल है, अगर हमारे पास 1 किलोग्राम जल है, अगर हम इसको हीट अप करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, भाप बनाएंगे, तो क्या होगा, भाप बनाने के लिए 539 किलोग्राम उष्मा लेता है, तभी तो जाके वो क्या होगा, भाप में कन्वर्ट होगा। अथवा 1 किलोग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होने में 500 कैलोरी या 539 किलो कैलोरी उष्मा देता है। मतलब यहाँ पे वाटर को क्या करना है, वेपर करना है। वेपर कब होगा, जब यहाँ की हीट को क्या करेंगे हम, यहाँ की हीट को हम अब्जोर्ब करेंगे, कितने पे, 539 किलो कैलोरी उष्मा पे। ठीक है, अभी थोड़ा इसके डेफिनेशन देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द सॉलिड मास ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम इट्स लिक्विड टू गैस स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट फ्लूइड। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी द्रव के द्रव्यमान को, द अमाउंट ऑफ हीट, कोई हमारे पास अमाउंट है उसकी हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, किसके द्वारा, बाय सब्सटेंस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, और उसके अनुसार कन्वर्ट हो रहा है जो हमारा सॉलिड मास ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड में था वो क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। आगे चलते हैं हम, हमारा लास्ट रहेगा यहाँ पे। अब ये है हमारा लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ये आइस है जो हमारी सॉलिड है, ये लिक्विड है मतलब पानी, और ये वेपर वाष्प में आपकी जो आइस है वो कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पे सब्लिमेशन का वर्ड क्या है,
कि कोई भी पदार्थ आइस से मतलब ठोस से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाना बिना लिक्विड में हुए। मतलब कोई भी ठोस पदार्थ सीधा क्या हो जाना, वेपर बन जाना बिना तरल अवस्था में आए, वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। मतलब कोई भी चीज हमारी सबसे पहले क्या होगी, मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद क्या होगी, वेपर होगी। लेकिन यहाँ पे सब्लिमेशन में क्या होगा, कोई भी हमारी ठोस आइटम है हम उसको टेम्परेचर इतना देंगे कि वो लिक्विड में आने से पहले ही वेपर बन जाए। मतलब ठोस से सीधा वेपर, लिक्विड में आने का उसको टाइम ही ना मिले, वो हमारा क्या है, सब्लिमेशन होता है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए किलोग्राम ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इंटू ए गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। मतलब क्या कहना चाह रहा है, 1 किलोग्राम ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। मतलब सोलिड डायरेक्ट इनटू ए गैस नॉट लिक्विड, वो क्या है, सब्लिमेशन होता है। ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं एक घर का, हीट लॉस थ्रू रूफ, हीट लॉस हो रहा है छत के द्वारा, हीट लॉस थ्रू चिमनी, चिमनी के द्वारा हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस थ्रू विंडो, विंडो के द्वारा हीट लॉस हो रहा है, एंड ड्राफ्ट अराउंड डोर और दरवाजों के द्वारा क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। हीट लॉस थ्रू इन नॉर्मल हाउस, तो हीट लॉस ये कब होगा, यह हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सेंसिबल हीट की। सेंसिबल हीट का मतलब क्या होता है, हीट को सेंस करना। मतलब कि फॉर सम रीजन देर इज ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। मतलब क्या है, वह ऊष्मा जिसके कारण वस्तु के तापमान में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेंसिबल हीट कहलाता है। और हमारे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें हमारी सेंसिबल हीट कहाँ होती है, कंडेंसर में होती है। कंडेंसर में क्यों होती है, वहां पे जब हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर कंडीशन में जाता है, उसकी हीट को सेंस करते हैं, उसकी हीट को सेंस करके उसकी जो टेम्परेचर है उसको रिमूव करते हैं। मतलब कि वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करते हैं, कैसे, उसकी हीट को रिमूव करके। और हीट को रिमूव हम कैसे करेंगे, एयर या वाटर के द्वारा। तो वो कौन सी हीट होती है हमारे कंडेंसर में, सेंसिबल हीट, और एवेपोरेटर में लेटेंट हीट। ठीक है, लास्ट में लेटेंट हीट वर्सेस सेंसिबल हीट, मतलब लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में क्या क्या अंतर होता है। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेटेंट हीट एनर्जी का अमाउंट होता है दैट इज आइदर अब्जोर्ब और रिलीज ड्यूरिंग ए फेज ट्रांजिशन एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि लेटेंट हीट में क्या होता है, हीट को अब्जोर्ब करता है या रिलीज करता है, मतलब या तो ग्रहण करेगा या उसको निकाल देगा, लेकिन एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, एक समान टेम्परेचर पर ही। सेंसिबल हीट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस विद नो फेज चेंज। सेंसिबल हीट के अंदर क्या है, एक एनर्जी के ऊपर काम करता है, इसके अंदर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करता है विद नो फेज चेंज, लेकिन इसकी जो फेज है उसको चेंज नहीं करता है। हमारा लेटेंट हीट क्या है, डिफाइन फॉर ए सिस्टम विद फेज ट्रांजिशन। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फेज ट्रांजिशन को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे किसको कर रहा है, विदाउट फेज ट्रांजिशन, यहाँ पे कोई भी फेज को नहीं बता रहा है। डिस्क्राइब द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ मैटर, और ये हमारा डिस्क्राइब द चेंज, मतलब ये चेंज क्या होता है, उसके इंटरनल एनर्जी के मैटर के कारण। एंड सेंसिबल हीट डिस्क्राइब द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन मैटर एंड सराउंडिंग, मतलब यहाँ के उसके अंदर और बाहर के ऊपर ये डिपेंड करता है उसकी एनर्जी एक्सचेंज होने के लिए। एंड लास्ट में रिलेटेड टू ए सिस्टम एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये किसके ऊपर रिलेट करता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मतलब एक समान टेम्परेचर के ऊपर ये आधारित होता है। लास्ट में रिलेटेड टू ए सिस्टम विद चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन ये सिस्टम आपका चेंज इन दी टेम्परेचर के ऊपर कार्य करता है या निर्भर होता है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कोई डाउट है या आपको वीडियो कैसी लगी,
और वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को प्लीज लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी टेम्परेचर के ऊपर होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।